रायपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान के उठाव और कस्टम मिलिंग की समीक्षा की और अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है। सरकार ने किसानों से 92 लाख टन धान खरीदा है। अब धान के उठाव को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सभी जिले के खाद्य अधिकारियों के साथ बैठक की। खाद्य मंत्री ने धान के उठाव और कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान का बम्पर उत्पादन भी हुआ है, खरीदी भी हुआ है। 92 लाख मेट्रिक टन धान जिसका समिति से उठाव और उसका कस्टम मिलिंग ये सब कराने के लिए हमने समीक्षा बैठक बुलाया था। जो सेंट्रल का FCI का कोटा है उसको भी पूरा करना है। स्टेट में जो नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करना है उसका भी कोटा पूरा करना है। सबका समीक्षा हम ले रहे थे कि किस किस धान खरीदी केंद्र में कितना कितना धान पड़ा हुआ है। केंद्र ने इस बार राज्य से 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की अनुमति दी है, जिस पर अमरजीत भगत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र से चावल खरीदी की सीमा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है, अगर बात नहीं बनेगी तो राज्य सरकार धान की नीलामी करेगी। हाँ, तो हमारा तो प्लान बी वही है कि अगर सेंट्रल तक अभी तक नहीं आया तो आगे आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम लोग नीलामी करेंगे। और एक आध बार बात करने की कोशिश किए हैं कि आपके तरफ से? माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अथराइज किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए प्रयासरत हैं। हो जाती है तो एक बार इसका जो एक पट्टाक्षेप होना हो जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गुरुवार को बिलासपुर दौरे पर भी रहे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में मीडिया से चर्चा की और विधानसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर निशाना साधा। इस घटनाक्रम में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ा नहीं दिखी। कहीं हल्ला मचाने से, कहीं जोर जोर से बोलने से आपकी बात तर्कसंगत होना चाहिए ना, थोड़े ना उसको उचित माना जाएगा। कहीं कोई महत्वपूर्ण बैठक चलती रहे, कहीं कोई चर्चा परिचर्चा महत्वपूर्ण होती रहे, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करने के लिए हल्ला करे, युक्तिसंगत नहीं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस बार धान का बम्पर उत्पादन हुआ है, साथ ही सरकार ने धान की बम्पर खरीदी भी की है, जिसके बाद अब धान की नीलामी को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य मंत्री ने सभी जिले के खाद्य अधिकारियों को जल्द से जल्द फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है। रायपुर से आदित्य नामदेव और बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज़ टेक।